हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम संदीप है और आज मैं आपके सामने एक फिर से प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ गया हूं। तो चैनल का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं। देखिए, आज सुबह 6 बजे हैं और मैं सुबह सुबह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि एक स्टेप आपने छोड़ दिया तो वो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी और आपको सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं आपको प्रॉब्लम क्या बताने वाला हूँ, उसका सोल्यूशन क्या है। प्रिंटर को मैं रीसेट करना बताऊंगा। कभी कभी कुछ सेटिंग्स ये प्रिंटर अपने आप से ले लेता है, कंप्यूटर से कुछ सेटिंग आती है तो वो डीकैलिब्रेट हो जाता है। तो मैं उसकी रीसेट कैसे करते हैं, उसकी फैक्ट्री सेटिंग को कैसे वापस आ जाती है, वो मैं आपको बेस्ट प्रोसेस बताऊंगा। और कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ लेबल इधर उधर भागते हैं, रेड लाइट आ जाती है, वो सारी चीजें ठीक हो जाती है फैक्ट्री रीसेट करने के बाद। तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूं कि इसको रीसेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रोसेस मेरा ये है कि पीछे से प्रिंटर को ऑफ कर देना। देखिए, ये बटन है पीछे ऑफ करने का, तो मैं इस बटन से ऑफ कर दूंगा। पावर बटन है, इसे मैंने ऑफ कर दिया। ऊपर की सारी लाइट्स बंद हो गई, एक भी लाइट नहीं जल रही है। ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्किप कर देते हैं, ऐड की तरह स्किप मत करना है इस वीडियो को। इन ये पॉज वाली बटन और फीड वाली बटन को दोनों को दबा के रखना है, बटन को छोड़ना नहीं है। ऑफ कंडीशन में बटन दोनों दबा के रखी है मैंने, और प्रिंटर को अब मैं ऑन करूंगा। ये मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया। अब देखिए, ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी, एक बार फिर से लाइट ब्लिंक की, दो बार, एक बार और ब्लिंक करेंगी, तीन बार ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी, और अब हमें छोड़ देना है। अब इस प्रोसेस को करने पे हमारा प्रिंटर रीसेट हो जाता है, फैक्ट्री रीसेट हो गया है ये, और अब जो भी सेटिंग है, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, उस पे आ गया है। और एक प्रोसेस और हमें करना है कि ऑफ करके फिर से ऑन कर देना इस प्रिंटर को। ये प्रोसेस जरूरी है, ये एज इट इज आपको करना है। आपने इधर उधर थोड़ा बहुत स्किप करके वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान। मैं वीडियो छोटा बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ढेर सारी चीजें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत ढेर सारी चीजें बताने को है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, आप एज इट इज देखना है आपको, जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको फॉलो करना, नहीं तो आप कमेंट लिखकर मुझे बोलेंगे कि आपका वीडियो सही नहीं चल रहा है, आपको नहीं आता है। तो आपको एक ध्यान से ये देखना है कि एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया, ये प्रोसेस जो मैंने बताया है उसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया है, और अब आप कमांड दोगे तो अच्छे से निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।